हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ का जो बना हुआ अचार होता है वो 3-4 साल तक कंटिन्यू चलता है, कभी ख़राब नहीं होता, कभी उसमें सफ़ेद फफूंदी नहीं लगती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ का अचार बनाया जाता है। गाइस, ये देखिए, 2 किलो आम को हमने इस तरीके से कट करके 6 से 7 घंटे तक धूप में सुखवा लिया है। इसे इस तरीके से सुखवाने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें की जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो निकल जाए, ताकि जब इसमें हम मसाले, तेल, हल्दी वगैरह मिलाकर रखें और धूप दिखाएं तो इसमें से कोई नमी ना निकले। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग आम को कम सुखवाते हैं, तेल मसाला हल्दी मिलाने के बाद जब धूप लगाते हैं तो उनमें से पानी निकलता है, जो कि तेल मसालों के साथ मिलता है, और उसी टाइम उसमें सफ़ेद फफूंदी लग जाता है, अचार ख़राब हो जाता है। सफ़ेद काले फफूंदी लग जाते हैं और अचार ख़राब हो जाता है। तो आप आम को ज़रूर से 5-6 घंटे के लिए इस तरीके से सुखवाएं, और अचार जब भी बनाएं तो उसमें खूब तेल डालें, ताकि ये जो आम के अचार हों खूब खिले खिले बने। तो चलिए फिर देखते हैं इसके लिए मैंने सामान क्या क्या लिया है। तो 2 किलो आम के हिसाब से मैंने जो सामान लिया है, हल्दी है, और ये 4-5 बड़े चम्मच हल्दी है, ये पीसी लाल मिर्च है जो कि 2 बड़े चम्मच है, और यहाँ पे 200 ग्राम पचफोरन मसाला है जिसे कि भून कर पीस लिया गया है। पचफोरन में सौंफ, जीरा, मंगरैल जिसे कि कलौजी भी बोला जाता है, और मेथी, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बराबर मात्रा में होती हैं। इसको मिलाकर भून लिया जाता है, उसके बाद पीस लिया गया है। तो ये 200 ग्राम है, और यहाँ पे अचार में अच्छा कलर आए इसके लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले रखा है 1.5 बड़े चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले इसमें डालेंगे, उसके बाद तेल के साथ मिक्स करके हाथों से खूब अच्छे तरीके से मसल कर मिलाएंगे। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। इससे पहले मैं अपने हाथ में एक पॉलीथीन बांध लेती हूँ, ताकि मिर्च हाथ में ना लगे। सॉरी गाइस, तेल अचार के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है राई का तेल, उसे तो मैंने मिक्स ही कर दिया। तो ये देखिए राई का तेल, यहाँ पे मैं मिलाने के लिए ही बस तेल का यूज़ करूँगी, उसके बाद डिब्बे में भरने के बाद तेल डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े कलछे से राई का तेल ले लिया है। ये कच्ची घानी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ये सारे मसाले डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसी पे अब धीरे धीरे हम तेल डालते जाएंगे। जो अचार अच्छे से सुखवाए नहीं जाते हैं, और अचार को हम बनाने के बाद जब 1-2 दिन डिब्बे में भरने के बाद 1-2 दिन धूप लगाने के लिए रखते हैं, तो उनमें से नमी निकलती है, वहीं से हमारा जो अचार होता है उनका बिगड़ने का काम स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कि जब भी आप कंटेनर से अचार को निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, जो भी चम्मच ले रखा है आपने, वो आप उसमें पानी ना लगने दें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी मासिक धर्म के दौरान अचार को न छुएं, उससे भी अचार बिगड़ जाता है। तो इसे मैं पहले मिला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ पे हमें बड़ा थाली लेकर आए, क्योंकि ये वाली थाली छोटी पड़ रही थी। तो अब चलिए फिर इसमें और तेल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमें तेल और मसाले इतने इसमें डालने होते हैं जिससे कि हमारा जो आम है वो पूरी तरीके से कोड हो जाए, मसालों से निपट जाए।
तो गाइस अब मैं जब इसको डिब्बे में भरूंगी तो इसके ऊपर से जो ये सारे मसाले हैं इसको डालूंगी तो ये पूरा इसमें कोट हो जाएगा। तो चलिए फिर अब इसे हम भरते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। गाइस ये देखिए हमने अचार भर लिया है डिब्बे में। अब टाइम आ गया इसमें एक्स्ट्रा तेल डालने का, जिससे कि हमारा अचार इस तेल में खूब खिला खिला बने। इसीलिए आपको तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए, इतना कि ये पूरे के पूरे यहाँ डूब जाएं। और आप ये तेल एक ही बार में नहीं डालेंगे, दो तीन दिन तक थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो अभी तो हमने थोड़ा सा ही डाला है, बाद में इसमें हम और डालेंगे। अब इसे हम लगाएंगे ढक्कन और सुखाएंगे, रखेंगे धूप में एक से दो दिन के लिए, ताकि ये खूब अच्छे से थोड़ा सा तैयार हो जाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ में 3 से 4 साल तक ये आराम से चल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बनेंगे। बाय।